हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मान, वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? आज प्रभास भाई साहब का बर्थडे है, द डार्लिंग, ओके। और उसको मतलब रेबल भी बोला जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो मूवीज आई थी वो कहीं ना कहीं रेबल रूबल जैसी हरकतें भी करने लग गया था। और रेबल पता है कौन बनता है? जिसका थोड़ा सा जो एटीट्यूड होता है वो थोड़ा सा एंटी हीरो टाइप होता है, और लोगों को जो एंटी हीरो पन है सो टू से ऑफ प्रभास, वो इतना अच्छा लगा कि अल्टीमेटली उसको बना दिया गया डार्लिंग और डार्लिंग ऑफ द नेशन। अब उसकी दो लुक्स आई हैं आज, और दोनों लुक के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। और आपने देखा ही है, लेफ्ट एंड राइट में आपके एक आदि पुरुष है और एक लुक सिर्फ एक रियल टाइप की लुक आपको देखने को मिली है, जो कि यूज होगी सलार के अंदर। अब ये लुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने जो भी लुक देखी वो बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक बैकग्राउंड के साथ आपको देखने को मिली सलार की, तो रियल सेंस में वो कैसा दिखने वाला है, क्या होगा, वो कुछ बहुत ज्यादा आपको पता चल नहीं रहा था। मेरे समझ के हिसाब से जब आप शूट में से एक रियल फोटो निकालते तो उससे आपको काफी कुछ रियल समझ में आता है कि किस तरीके का रगेड आउटलुक होगा, किस तरीके के उसके कपड़े हैं, किस तरीके की लीन बॉडी है, क्योंकि प्रभास का थोड़ा सा वेट वगैरह का इशू लग रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको लग रहा है कि बिल्कुल प्रोपोर्शनेट बॉडी है, बिल्कुल परफेक्ट है। और साथ ही साथ में जो लेंथ लगनी चाहिए एक बॉडी की, ताकि वो लगे कि 3-4 को निपट सकता है, वो यहाँ पर लग रहा है, ब्रूटल लग रहा है। जो बियर्ड का स्टाइल है वो भी थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा ग्रूम्ड नहीं है, जिससे आपको रगेड लुक आती है। और जो हेयर स्टाइल भी है वो भी मीडियम टाइप के हेयर है, मतलब सब कुछ मेसी है, उसकी शर्ट से लेके उसके रेगर जीन से लेके जो ग्लासेस भी हैं, मतलब ही इज ऑन अ मिशन, एंड आफ्टर ही इज ऑन द मिशन ही इज अनमूव्ड बाय एनीथिंग एल्स। तो उसको नहीं पता खाना क्या है, पीना क्या है, पहनना क्या है, बस ठोकने का है। तो उस तरीके का थोड़ा सा आउटलुक लग रहा है। अब अगर हम बात करें कि आदि पुरुष का जो लुक है वो किस तरीके का है, उसके अंदर थोड़ी सी पहले से इंप्रूवमेंट करी गई है फॉर श्योर, जिसकी वजह से सॉफ्टनेस आई है। तो मेरा क्वेश्चन जो आपसे है वो ये है कि कौन सी लुक प्रभास को ज्यादा सूट करती है। कई बार ये क्या होता है कि हम हीरो को इतना ज्यादा प्यार करने लग जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वो हर एक रोल में सूट कर जाएगा। और हमने देखा कि ऑफ लेटली जब कभी भी प्रभास कोई थोड़े से ठंडे रोल के अंदर आता है तो हमें वो थोड़ा समझ में कम आता है, या फिर जैसे हमने देखे था राधे श्याम के अंदर, वो एक अथॉरिटेटिव रोल के अंदर हमें ही समझ में आता है। और श्रीराम से ज्यादा अथॉरिटेटिव तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी जो कृपा है वो अलग लेवल की होती है, वो मार्गदर्शक टाइप है। बट एट द सेम टाइम जो उनका तेज है, जिस तरीके का उनका ऑरा है, मार्गदर्शन वाला का है, क्या प्रभास वो कर सकता है, पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने लुक देखी प्रभास की, वो उनको सूट कर रही है कि नहीं कर रही है, और अगर सूट कर रही है तो आपका विचार बिल्कुल ड्रामेटिकली डिफरेंट लुक जो कि आपका सलार के अंदर है, रगड रफ एंड टफ, वो कैसी है? क्या आपको दोनों लुक अच्छी लग रही हैं? क्या आपको लग रहा है कि शायद प्रभास इज मोर सूटेड फॉर रोल्स लाइक सलार, और या आपको लग रहा है कि अब जो इमेज चाहिए है पैन इंडिया लेवल पे, उनकी इमेज राम टाइप होनी चाहिए, तो आदि पुरुष वाली लुक ज्यादा अच्छी है। सो इट इज अप फॉर डिबेट, इट इज नॉट माय चॉइस, इट इज अ कलेक्टिव चॉइस ऑफ द ऑडियंस एंड यू आर पार्ट ऑफ द ऑडियंस। तो मूवी शूवियंस और बाकी सब लोग जो यहाँ आए, जरा फटाफट से बताएं वोट करके कि कौन ए या बी, कौन से लुक आपको ज्यादा अच्छी लग रही है, और जो भी लुक ज्यादा अच्छी लग रही है जरा कमेंट में करके बताओ, और रीजन आउट कर दो तो ज्यादा अच्छा है, थोड़ा और मजा आएगा कि आप लोग किस तरीके से सोचते हैं। बाकी जल्दी मिलते हैं यार, बाय बाय।